सब्सक्राइब करें हमारा भारत चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए। हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारा भारत चैनल पर एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की जो किसान योजना लॉन्च की है, आखिरी बजट में जो उन्होंने पास की है योजना, उसमें किन किन किसानों को मिलेंगे 6,000 रुपए और कितने बीघा जमीन वालों को मिलेंगे, कितनी जमीन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए या कितनी कम जमीन वालों को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या कंडीशन है भाई, किन किन लोगों को मिलेगा और किन किन को नहीं मिलेगा, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि किन किन किसानों को मिलेंगे ये 6,000 रुपए और कितने बीघा जमीन होनी चाहिए। आप लोगों की डिमांड थी कि भाई इसके बारे में भी जानकारी दो, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। नव भारत टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने दिया है, नव भारत टाइम कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, तो उसके अनुसार उसने जो कहा है क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या किन किन किसानों को मिलेगा और कितनी जमीन होनी चाहिए, तो इसके बारे में चलते हैं एक बार नव भारत टाइम्स की वेबसाइट पे, जो कि मैंने पहले ही खोल रखी है। तो ये 2019 में की है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसका पूरा नाम, और इसमें घरेलू जरूरत को मतलब पूरा करने के लिए किसानों के लिए पीएम मोदी ने ये स्कीम को जारी किया है। भाई प्रधानमंत्री ने जो ये योजना है डिजिटली लॉन्च कर दी है, हर एक किसान को 2,000 रुपए की किस्त दी जाएगी हर 4 महीने में, मतलब 6,000 रुपए दिए जाएंगे पूरे साल में, तो 4 महीने में 2,000 रुपए, फिर अगले 4 में, फिर तीसरे 4 महीने में, यानी कि साल भर में उसको मिलेगा। जो अभी पहले किस्त जारी की है उसमें जो टोटल अभी पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है उसके अनुसार तो 2,021 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो कि 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आय मिलेगी, गारंटेड आय लिखा गया है। अब जी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है वो 2019 में की गई है, जो आखिरी बजट अभी पास हुआ है उसमें। किसे मिलेगा स्कीम का फायदा? अब इसमें है उन सभी परिवारों को फायदा मिलेगा जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर तक है, खेतीहर जमीन, यानी कि जो आपकी रजिस्टर्ड जमीन है तहसील ब्लॉक में, जो रजिस्टर्ड जमीन होती है, जितने की आपको फरद मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, फरद है, खसरा है, खतौनी है, वो सब चीजें हैं, तो भाई उनकी अगर 2 हेक्टेयर जमीन, 2 हेक्टेयर यानी कितने बीघा, 1 बीघे में से भाई 3.9 बिस्सा और 1 बिस्वा होता है, मतलब यानी कि 1 बीघे के आसपास, मान लो आपका अगर 1 हेक्टेयर है तो 4 बीघे जमीन उसमें आएगी, 4 बीघे से 1 पॉइंट कम मान लो, तो यानी कि 2 हेक्टेयर यानी कि 7.8 बीघे, यानी कि 8 बीघे तक जिसके पास जमीन है उसको ये मिल जाएगा। अब कौन कौन है छोटे और सीमांत किसान, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें ये भी बात कही है कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है और ग्रुप 4 के जो स्टाफ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी फायदा मिल जाएगा ये। अब छोटे किसान कौन है? छोटे किसान सीमांत किसान परिभाषा में तो परिवारों को शामिल किया गया है जिसमें पति पत्नी और 18 वर्ष के नाबालिग बच्चे हों, और ये सभी सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हो। 5 एकड़ यानी कि 1.6 बीघा होता है 1 एकड़ में, तो उस पर खेती करते हो, सामूहिक परिवार है भाई, एक घर का मालिक है, एक मुखिया जो होता है उसके नाम से अगर भाई 8 बीघे तक की जमीन है तो उसको फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके बच्चे डिवाइड हो चुके हैं भाई, अलग है, ये है, वो है, वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने लगे तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो अलग ही जमीन हो चुकी है उनकी, उनके नाम से जमीन चढ़ चुकी है एज पर डॉक्यूमेंट, तहसील वगैरह में रिकॉर्ड उनके नाम से है, तो उनको फायदा मिल जाएगा। अब भाई किसे किसे नहीं मिलेगा ये, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? सरकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स देने वाले पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, विधायक और मंत्रियों को लाभ नहीं मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर सीए को भी लाभ नहीं मिलेगा, 10,000 रुपए से ज्यादा पेंशन लेने वाले भी नहीं ले पाएंगे इसे का फायदा कुछ भी, और पीएम की किसान योजना इनकम टैक्स देने वाले को भी फायदा नहीं मिलेगा, संस्थागत भूमि मालिकों को भी लाभ नहीं है, दूसरी किस्त में आधार अनिवार्य है, छोटे और सीमांत परिवारों को लाभ मिलेगा। पीएम किसान स्कीम के फायदे क्या है? इस स्कीम के तहत 2 हेक्टेयर तक की खेतीहर जमीन 12 करोड़ किसान 6,000 रुपए तक साल देगी, ये पैसे 4 महीने में, 2,000 रुपए की किस्त आएगी 3 बार में, हर 4 महीने में देंगे 1 बार, अब इसको सीधे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बंदे के। पहली किस्त की अवधि है 12 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019, यानी किसानों को इस स्कीम का फायदा मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही मिल जाएगा, वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर
जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो तब तक ये फायदा किसानों को मिल जाएगा। 31 मार्च से पहले पहले पैसे आ जाएंगे। अब इसकी जो आप अपडेट पढ़ना चाहते हैं भाई या इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी एक वेबसाइट है pmkisan.nic.in। अगर ये वेबसाइट नहीं चल रही है तो pmkisan.gov.in है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां जाके इस स्कीम की पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। किसानों का नाम अपलोड करने की जो आखिरी तारीख है वो 25 फरवरी दी है अभी तक, लेकिन वेबसाइट पे जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ जाके pmkisan.gov.in पे, तो वहाँ पे अभी कुछ डिक्लेयर नहीं है कि भाई आखिरी तारीख डिक्लेयर नहीं है कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं लोग भी। रूरल और अर्बन कोई इसमें फ़र्क नहीं है भाई, कैसी ज़मीन है या खेती हर ज़मीन, यानी कि जिसमें लोग खेती कर रहे हो, वह जोत रहे हैं, बो रहे हैं या फसल उगा रहे हैं, वो ज़मीन पर पैसा मिल जाएगा। गाइज अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक नई वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जाना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू एंड बाय।